गणेश का कुंज, बहुत नाम सुना था इस हवेली का। आज पहली बार हमें यहाँ चोरी करने का मौका मिल रहा है। लेकिन बिल्ला, लोग कहते हैं इस हवेली में प्रेतात्माएं रहती हैं। और इतना ही नहीं, मैंने ये भी सुना है कि एक बार जो इस हवेली में घुसता है जिंदा वापस नहीं लौटता। अबे लल्लू, ऐसी कोई बात नहीं है। जानबूझकर इस हवेली का नाम बदनाम किया गया है ताकि हम जैसे शातिर चोर उचक के इस हवेली से दूर रहे। समझ गया ना राणा? चल भूत प्रेत, तू लल्लू का लल्लू ही रहेगा। संभाल के चल, 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 चल। बिल्ला मेरी बात मान, यहां हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इस हवेली की हालत देखी? अरे इसकी हालत देख के तो लगता है कि मुझे यहाँ का मालिक भी कंगाल होगा। मेरी बात मान ले, लौट चल यहाँ से। अबे लल्लू, तुझे पता नहीं है ये कनिष्का कुंज है। इसकी मालकिन कनिष्का देवी कोई मामूली औरत नहीं है, बहुत बड़ा है उसके पास। और ये जो तू पुरानी हवेली देख रहा है ना, इसके अंदर पुराने जमाने के कीमती सामान है जिसकी कीमत लाखों करोड़ में होगी। बस यहाँ चोरी करने के बाद हमारी किस्मत चमक जाएगी। तो चल ना, चमकाते हैं किस्मत को। चल चल, तू निकाल मास्टर चाबी और खोल दे किस्मत का ताला। अरे यार, इस दरवाजे में असली चाबी के अलावा और कोई चाबी नहीं ले सकती। एक काम कर, उस खिड़की से अंदर जाकर अंदर से दरवाजा खोल दे। अच्छा की मौका है, आसानी से भाग सके। चल चल, संभाल के जाना। चाचा साफ कर जाएंगे। ठीक है, चल चल। इतनी बड़ी हवेली है, एक साथ जाकर क्या बटोरेंगे। एक काम कर, तू इस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूं। जो चीज हाथ में आया उठा लेना। ओके, चल जा। क्या करता है? फंसाएगा क्या? आराम से कर, आराम से। अच्छा, चल जा। डरा दिया।
ये लीजिए भीम साहब, आ गया आपका कनिष्का कुंज। भीम साहब ये लीजिए आपका बैग। भीम साहब मुझे तो अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपने नौकरी भी ढूंढी तो इस कनिष्का कुंज में। क्यों, क्या बुराई है इस कनिष्का कुंज में? मेम साहब ये जगह बड़ी ही मनहूस है, कहते हैं इस पर किसी प्रेत आत्मा का साया है। यहां के बस्ती वालों ने इस हवेली के आसपास कई लाशों को देखा है। मैं तो आपसे अब भी कहता हूं कि आप यहां से लौट जाइए, इसी में आपकी भलाई है। मैं इन अंधविश्वासी बातों पर यकीन नहीं करती, आप फिक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं तो आपसे अब भी कहूंगा कि आप लौट जाइए, आगे आपकी मर्जी। आपके पैसे। नमस्ते।
संगीता है, संगीता मल्होत्रा। आपने अखबार में इश्तेहार दिया था गवर्नेस के लिए, मैंने एप्लीकेशन भेजा था, मेरे पास आपका अपॉइंटमेंट लेटर है। अच्छा अच्छा आओ। रुक क्यों गई? आओ जी। आओ बैठो। तुम्हें यहां आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, एक्चुअली आपकी ये जगह काफी फेमस है, बहुत आसानी से मिल गई। मैंने गाड़ी वाले से कहा कनिष्का कुंज चलना है, बस उसने पहुंचा दिया। कनिष्का कुंज को कौन नहीं जानता? यहां का बच्चा बच्चा इस बंगले से वाकिफ है, मुझे सब जानते हैं। खैर, लंबे सफर से आई हो, कुछ खाओगी? जी नहीं, थैंक यू। जिस काम के लिए तुम्हें यहां बुलाया है वो आसान है और मुश्किल भी। आसान इसलिए तुम्हें किसी की देखभाल करनी है, और मुश्किल इसलिए जिस लड़की की तुम्हें देखभाल करनी है वो मन की बहुत अच्छी है, मासूम है, भोली है, पर अजीब अजीब हरकतें करती है। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो हमेशा डरी हुई सहमी हुई रहती है, न जाने कौन सा खौफ उसे खाए जा रहा है। कई वैद्य कई डॉक्टरों का इलाज कराया पर कुछ नहीं हो सका। लेकिन किस बात का डर है उसे? यही जानने के लिए तो तुम्हें यहां बुलाया है। तुम उसके करीब जाओ, उसकी हमदर्द बनो, उसके दिल में जगह बनाओ ताकि उसके दिल को तसल्ली मिले। आप फिक्र ना करें कनिष्का जी, मैं उसके भरोसे को जीत लूंगी। वो मुझे अपना समझने लगेगी और मुझसे सारी सच्चाई बता देगी। मैंने हमेशा उससे कहा घर से बाहर जाया करो, लोगों से मिला जुला करो, सोसाइटी में उठो बैठो। आपका उससे क्या रिश्ता है? वो मेरी बहन की बेटी है। मेरी बहन की मौत के बाद मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। जान, जान नाम है उसका। बड़ी अजीब अजीब हरकतें करती है। बच्चे हमेशा गुड़ियों के साथ खेलते हैं, मगर जान, जान को गुड़ियों को जमीन में दफन करके खुशी मिलती है। उसे हंसते हुए चेहरे पसंद नहीं, उसे कांटों से मोहब्बत है। क्यों करती है वो? क्यों बंद कमरे में बैठी रहती है? क्यों करती है वो ये सब? मैं आज तक उसे समझ नहीं पाई। यहाँ और कौन कौन रहता है? मेरा बेटा कुंवर, कुंवर प्रथा। ये भी मैंने तुमसे जिक्र किया था। आओ बेटा कुमार, ये है संगीता, जानकी नहीं गवर्नर।
इससे पहले भी कहीं गगन सागर चली गई, कोई भी दो दिन से ज्यादा नहीं टिक पाया, ये कहां टिकेगी? और रहा चांद का सवाल, उसका इलाज तो हो चुका है। मुझे बचपन से शिकार खेलने का बहुत शौक है। जब तक दिन में एक बार किसी का शिकार न कर लूं, मुझे चैन नहीं आता। क्यों बेकार में ऐसी हरकतें करती हो? कोई तुम्हें नहीं मार रहा है। आंटी वो मार रहा है मुझे। आंटी बिलीव मी। जान क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जब देखो चीखती चिल्लाती रहती हो। तुमसे कितनी बार कहा है, इस डर को अपने दिल से निकाल दो, कोई नहीं मारेगा तुम्हें। हर वक्त चीखती चिल्लाती रहती हो, कब तक तुम्हारी ये बकवास बर्दाश्त करता रहेंगे हम? कब तक? प्लीज मत डांटिए इसे। चांद, ये संगीता है तुम्हारी नई गवर्नेस। ये तुम्हारी सिर्फ गवर्नेस नहीं, तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी हमदर्द भी है। आज से ये यही रहेगी इस घर में तुम्हारे साथ। मुझे उम्मीद है तुम इसके साथ तमीज से पेश आओगे, उस तरह नहीं जिस तरह पिछली गवर्नेस के साथ पेश आया करती। ठीक है ना चांद, जाओ इसे अपना कमरा दिखाओ। संगीता, इसे यहां से ले जाओ। मुझे जरूरत से ज्यादा होशियार दिखती है, इस पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। चांद, चांद पानी लो, लो। तुम भी समझते हो ना कि मैं पागल हूं? मैं पागल नहीं हूं। ये माँ बेटे मुझे जानबूझकर पागल बना देना चाहते हैं, ये साजिश है उनकी।